तो आपके सामने भी प्रॉब्लम आती होगी जब आप किसी वीडियो फाइल को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, उसको आप कंप्यूटर पर प्ले करते हैं तो आपके सामने एरर शो होता है, वीडियो नॉट सपोर्ट। उसी फाइल को अगर आप स्मार्ट टीवी पर प्ले करने जाते हैं तो ऑडियो नॉट सपोर्ट का एरर आता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइल साइज जीरो शो करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आपके टीवी या कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ जो उस वीडियो फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करे या फिर उसको प्ले करा पाए। तो मैं बात कर रहा हूँ वेब रिप फाइलों की। वेब रिप फाइलों का एक्सटेंशन वैसे तो .mkv होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके टीवी या कंप्यूटर में वो प्ले नहीं हो रही तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप उसको सपोर्टिंग वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री टूल का यूज करके MKV फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं सपोर्टिंग वीडियो फॉर्मेट में, जिससे कि वो आपके टीवी और कंप्यूटर दोनों पे प्ले हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि आपने मेरा चैनल टेक्नो चैटरूम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि अगर कंप्यूटर में कोई वीडियो फाइल प्ले नहीं हो रही तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए आप ये काम ये कर सकते हैं कि आप VLC मीडिया प्लेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करने के लिए जब आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन करते हैं और सर्च बार पे टाइप करते हैं VLC मीडिया प्लेयर, तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी videoland.org के नाम से। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में आप कोई भी वीडियो फॉर्मेट की फाइल को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये वाइडली वीडियो फॉर्मेट सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रीवेयर है, तो ये आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने कंप्यूटर में किसी भी वीडियो फॉर्मेट की फाइल को प्ले कर सकते हैं इजीली। तो आइए बात करते हैं कि अगर स्मार्ट टीवी पे कोई वीडियो फाइल प्ले नहीं कर रही है, अगर आप पेन ड्राइव के थ्रू किसी वीडियो फाइल को प्ले करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑडियो नॉट सपोर्ट का एरर आ रहा है, या फिर फाइल का साइज जीरो दिखा रहा है, या और कोई प्रॉब्लम आ रही है और किसी ने किसी कारण से आपकी वीडियो फाइल वहाँ पे प्ले नहीं हो रही, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है फाइल को कन्वर्ट करने के लिए, जिसका नाम है फॉर्मेट फैक्ट्री। तो आप सर्च बार पर टाइप कीजिए फॉर्मेट फैक्ट्री, तो एंटर करते ही पहली वेबसाइट pcfreetime.com के नाम से आ जाएगी। ये वेबसाइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं इन दोनों सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन हो गई है, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आता है जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। आपको फॉर्मेट फैक्ट्री डाउनलोड करने के लिए व्यू डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा। अब अगर आपके पास यानी कि आपके कंप्यूटर में 32-bit वर्जन का OS इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे ओल्ड 32-bit वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आप 64-bit विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो मेरे कंप्यूटर में 64-bit है तो मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा उसको डाउनलोड करने के लिए। तो ये डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब हम इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है, तो आइए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी हम फिनिश पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो देखिए कि जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप कई काम कर सकते हैं, यानी कि कई तरह के कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो है, ऑडियो है, पिक्चर कन्वर्जन है, डॉक्यूमेंट कन्वर्जन है, और इसमें कुछ यूटिलिटीज वगैरह भी दी हुई हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है। तो अब आप ध्यान से समझिए आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है। हमको क्या करना है, जो वीडियो फाइल हमारे स्मार्ट टीवी पे रन नहीं हो पा रही है उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि हमको एक सपोर्टिंग वीडियो फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वीडियो के, जैसे कि MP4, MKV, GIF या फिर AVI। तो हमको एक सपोर्टिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है अपनी वीडियो फाइल को, तो वो है हमारा MP4, या फिर आप AVI भी ले सकते हैं। अगर आपका टीवी बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो आप AVI के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसकी फाइल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है MP4 फॉर्मेट का। तो MP4 फॉर्मेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि MKV जो फॉर्मेट है ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी कि जो लेटेस्ट टीवी है उसमें MKV आ रहा है,
लेकिन अगर आपका टीवी पुराना है, 7-8 साल पुराना है, तो आपको MP4 फॉर्मेट के साथ जाना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे MP4 ले ले रहे हैं। तो MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए उस वीडियो फाइल को आप क्या कीजिए, इस बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक मेनू ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पे ऐड फाइल्स वाले बटन पे क्लिक करना है और उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो फाइल आपके स्मार्ट टीवी में प्ले नहीं हो रही। और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आपको नीचे यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है, बस आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर देना है। तो इस प्रोसेस को आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है, यानी कि इसमें हाई प्रोसेसर या हाई रैम लगी है या ग्राफिक कार्ड लगा है, तो ये जल्दी इसको कन्वर्ट कर लेगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा समय भी ले। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो इस फाइल को हम पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे और टीवी पर ले जाके चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। तो ये फाइल हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, तो आइए इसको पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं। तो ये फाइल कन्वर्ट होकर FF आउटपुट के नाम से एक फोल्डर होता है, उसमें जाके सेव होती है। जब आप फॉर्मेट फैक्ट्री को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये FF आउटपुट फोल्डर तभी क्रिएट हो जाता है। इसी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल आके यहाँ पे सेव होती है। तो इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं पेन ड्राइव में और स्मार्ट टीवी पे प्ले करके देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है कि नहीं। तो अब हम स्मार्ट टीवी पर आ चुके हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, USB पोर्ट में इस पेन ड्राइव को लगाएंगे और चेक करेंगे प्ले करके कि हमारी जो ये वीडियो फाइल है वो प्ले हो रही है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, अभी पहले जो हमने प्ले की थी तो हमारे सामने एरर आ रहा था ऑडियो नॉट सपोर्ट का, अभी ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा। तो अभी आपने ऑडियो भी सुनी होगी, हमारी जो ये प्रॉब्लम थी ऑडियो नॉट सपोर्ट की, ये हमारी सॉल्व हो चुकी है कन्वर्ट करने के बाद। तो आप इस तरह से आप फाइल को कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके स्मार्ट टीवी और कंप्यूटर दोनों पे प्ले होगी।